अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एन इमोरालिटी बाय इज़रा पाउंड। इन दिस वीडियो वी विल कवर पोएम इंट्रोडक्शन, ट्रांसलेशन इन उर्दू, एक्सप्लेनेशन, थीम्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस। अब हम देखते हैं पोएम के इंट्रोडक्शन को। एन इमोरालिटी इज़रा पाउंड की लिखी गई मॉडर्न पोएम है। इसमें इसने यूजुअल लव और अनयूजुअल लैंग्वेज और इमेजरी का इस्तेमाल किया है। पोएम के मुतल्लिक मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन दी जाती हैं, जिसमें से एक ये है कि इसके दो नरेटर हैं, एक वो जिसने इसे टाइटल दिया है जो कि इज़रा पाउंड खुद है, और दूसरा जिसने पूरी पोयम लिखी है। ये पोयम अपने ही टाइटल को कंट्रडिक्ट करती है, क्योंकि पोयम जो है वो पूरी लव पे बेस करती है और टाइटल इस लव को इमोरालिटी कंसीडर करता है। ये एक शॉर्ट और सिंपल पोयम है। ये पोएम ग्रेट डीड और अचीवमेंट की जगह लव और आइडियलनेस को सपोर्ट करती है, जो कि पब्लिश्ड हुई है 1912 में एक कलेक्शन रीपोस्ट में। और ये एक मॉडर्न वर्क है, इमेजिस्ट वर्क है। इसकी राइम स्कीम ABC भी है और ये एक स्टेंजा पर मुश्तमिल है जिसकी 8 लाइंस हैं। नाउ आई वांट टू ट्रांसलेट पोएम इन उर्दू। पोएम स्टार्ट होती है सेकेंड नरेटर से। यहाँ पर एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है वी, जिसमें इज़रा पाउंड अपनी और हमारी यानी कि रीडर्स की बात करते हैं। सिंग वी फॉर लव एंड आइडियलनेस, नॉट एल्स इज़ वर्थ द हैविंग। इन लाइन में आइडियलनेस का मतलब है फ्री टाइम। इन लाइनों में सेकंड नरेटर कहता है कि दुनिया में लव और आइडियलनेस ही ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें हैं जिस पे टाइम वक्फ किया जा सके। लव और आइडियलनेस के अलावा कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज़ नहीं है जिसके लिए टाइम वक्फ किया जाए। इस लाइन में नरेटर कहता है कि मैंने बहुत सी जगहों पर ट्रैवल किया है, लेकिन कोई भी चीज़ इस काबिल नहीं है कि आप उसके लिए स्ट्रगल करो या अपना टाइम बर्बाद करो। एंड आई वुड रादर हैव माई स्वीट दो रोज़ लीव्स डाई ऑफ ग्रीविंग। इस लाइन में माई स्वीट का मतलब माई बिलव्ड है। नरेटर कहता है कि मैं अपनी बिलव्ड के साथ रहूँगा। दो रोज़ लीव्स डाई ऑफ ग्रीविंग मतलब कि जैसे फूल के पत्ते मरते हैं किसी गम की वजह से, वैसे ही अगर लोग वार में मर रहे होंगे तो मैं उनको बचाने नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं अपनी बिलव्ड के साथ रहना पसंद करूंगा। देन डू हाई डीड्स इन हंगरी। यहाँ पे हंगरी का जिक्र इसलिए है क्योंकि उस वक्त हंगरी के लोगों और ज्यूस के लोगों के दरमियान कुछ क्लैशेस चल रहे थे। यहाँ पे जो नरेटर है वो कहता है कि मैं हंगरी में हाई डीड्स परफॉर्म यानी वार में नहीं जाऊँगा। टू पास ऑल मैंस बिलीविंग। इस लाइन में मैन का मतलब सोसाइटी है। वो कहता है कि मुझे पता है कि अगर मैं हंगरी की वार में जाऊंगा तो लोग मुझे हीरो समझेंगे, लेकिन ये जो लोग बिलीव करते हैं मैं इस पे बिलीव नहीं करता। मैं वार में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी बिलव्ड के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। इन अ समरी, द पोम एन इमोरालिटी बाय इज़रा पाउंड इज़ अ शॉर्ट एंड सिंपल पोम दैट एक्सप्रेस द स्पीकर्स प्रेफरेंस फॉर लव एंड आइडियलनेस ओवर ग्रेट डीड्स एंड अचीवमेंट्स। द स्पीकर असर्ट्स दैट डिस्पाइट हैविंग ट्रेवल्ड टू मैनी लैंड्स, देयर इज़ नथिंग वर्थ हैविंग एक्सेप्ट फॉर लव एंड आइडियलनेस। द स्पीकर क्लेम्स दैट दे वुड रदर हैव बीन their sweet love even if it means the rose leaf die of grieving than to do perform great deeds in Hungary that would pass all men's believing. The poem ends with the speakers asserting the value of love and idealness, suggesting that they have more important than traditional values associated with greatness and achievement. अब हम डिस्कस करते हैं पोएम की थीम्स को। इसमें पहली थीम है इमेजिज्म की। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि इज़रा पाउंड जो है वो एक इमेजिस्ट पोइट है, और इसमें हमें इमेजिज्म की थीम इसी वजह से मिलती है। दूसरी थीम है इसमें हमारे पास लव एंड वार। जैसे कि पोएम लव के बारे में है और इज़रा पाउंड खुद वार को सपोर्ट करते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है एस्केपिज्म की थीम। जैसे कि सेकंड नरेटर जो हैं वो लव को प्रमोट करते हैं, और एस्केपिज्म की थीम यही आती है जब ये वार से दूर भागते हैं। इसमें हमारे पास इंडिविजुअलिज्म की थीम आती है। जैसे कि सेकंड नरेटर जो है वो सिर्फ अपने लव और अपने बिलव के बारे में सोचते हैं, उनका कोई कंसर्न नहीं है कि दुनिया में कोई भी वार चल रही है। इसमें हमारे पास कम्प्लेक्सिटी और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की थीम है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि उस वक्त हंगरी में जो है वो कुछ इशूज़ चल रहे थे ज्यूस के दरमियान और हंगरी के लोगों के दरमियान। यहाँ पर हमारे पास रियलिज्म की भी थीम है, क्योंकि जो हमारे राइटर हैं उन्होंने पोएम को बिल्कुल रियलिस्टिक वे में लिखा है। अब हम देखते हैं पोएम की लिटरेरी डिवाइसेस को। सबसे पहले हमारे पास सिंबलिज्म मौजूद है। वार इज़ द सिंबल ऑफ ब्रेवरी।
पोयम में हमारे पास एसोनेंस और कॉन्सोनेंस मौजूद है। देयर इज नॉट एल्स इज वर्थ लिविंग, इस लाइन में हमारे पास रेपिटेशन ऑफ वोवल ई एंड आई इज एसोनेंस। और टू पास ऑल मैंस बिलीविंग, इस लाइन में कॉन्सोनेंट एस और एल रेपिटेशन जो है वो हमारे पास कॉन्सोनेंस है। इसके अलावा हमारे पास मेटाफर मौजूद है, सिंग वी फॉर लव एंड आइडियलनेस, नॉट एल्स इज वर्थ द हैविंग। इन लाइनों में हमारे पास एक्सटेंडेड मेटाफर मौजूद है जिसमें हमारा नरेटर कंपेयर करता है वैल्यू ऑफ लव को वैल्यू ऑफ ग्रेट डीड से। पोयम में हमें इमेजरी भी मिलती है, रोज लीव्स डाई ऑफ ग्रीविंग और हाई डीड्स इन हंगरी। इन दो लाइनों में इमेजरी मौजूद है, इमेजरी ऑफ हंगरी, और इमेजरी मिलती है हमें जो ऑटम सीजन में जो लीव्स जो हैं वो डाई हो जाते हैं उसकी। पर्सोनिफिकेशन भी मौजूद है, जैसे कि दो रोज लीव्स डाई ऑफ ग्रीविंग, इस लाइन में जो रोज़ लीव्स हैं उनको ह्यूमन क्वालिटी दी गई है ऑफ ग्रीविंग। पोयम में हमें एंटीथीसिस भी मिलता है, जैसे कि वैल्यू ऑफ लव एंड आइडियलनेस को कंट्रास्ट किया गया है वैल्यू ऑफ वार अचीवमेंट और ग्रेटनेस के साथ। इन द लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। द इमेजिज्म मोमेंट एंड द बायोग्राफी ऑफ इज़रा पाउंड, आई वॉज कवर दीज टू टॉपिक इन माई प्रीवियस वीडियोज़। थैंक यू।